और अब बात करते हैं रीवा की, जहां इंदौर में 27 साल की छात्रा के सुसाइड के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। छात्रा ने सुसाइड नोट में रीवा के संभागीय वित्त लेखा में डिप्टी डायरेक्टर पुष्कर नाथ पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। आरोपी पुष्कर नाथ छात्रा के भाई का दोस्त है। भाई ने ही आरोपी से कहा था कि बहन यूपीएससी की तैयारी कर रही है, उसे गाइड कर देना। छात्रा उसके पास पढ़ने जाने लगी। आरोपी छात्रा के साथ इंदौर भी गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे छोड़कर रीवा वापस लौट आया। इस बात से परेशान छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। पुष्कर नाथ ने बताया कि 2014-15 में एमपीपीएससी क्लियर कर ली थी, रीवा में पोस्टिंग मिली। वह अनूपपुर के दुल्हरा गांव का रहने वाला है, जहां 2019 में उसकी शादी भी हो गई। पत्नी भी सरकारी स्कूल में टीचर है। 2021 में छात्रा के भाई ने ही दोनों की मुलाकात करवाई थी। इसी बीच दोनों में प्यार हुआ, नजदीकियां बढ़ी। दोस्ती गहरी होने के बाद छात्रा रीवा में पुष्कर नाथ के घर आने में संकोच करने लगी। तब उसने छात्रा को इंदौर में हॉस्टल किराए में लेकर पढ़ने की बात कही। यूपीएससी में छात्रा का सेंटर इंदौर था, इस कारण वो भवरकुआं इलाके में हॉस्टल में रहने लगी। कुछ दिनों बाद आरोपी भी रीवा से इंदौर चला गया। उसने छात्रा के हॉस्टल के पास बॉयज हॉस्टल में कमरा किराए से ले लिया, जहां दोनों के बीच कई बार संबंध भी बने। पुष्कर नाथ ने पुलिस को मामले में बताया कि एमपीपीएससी में सिलेक्ट होने के बाद रीवा में ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन सेंटर जबलपुर मिला था। पत्नी से ये बोलकर इंदौर आया था कि कुछ महीने बचे हैं, आगे की तैयारी करनी है और इसलिए जबलपुर में रहकर कोचिंग करूंगा। पत्नी से जबलपुर का कहकर वो इंदौर आ जाता। छात्रा का कुछ दिनों बाद ही मुख्य परीक्षा का पेपर था। वो पढ़ने में भी होशियार थी। उसने यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था। इस कारण परिवार वालों को आशा थी कि वो मेंस भी जल्द क्लियर कर लेगी, लेकिन पुष्कर नाथ छात्रा को छोड़कर रीवा चला गया, बात करना भी बंद कर दिया। युवती को एहसास हुआ कि उसके साथ पुष्कर ने गलत किया, जिसके बाद उसने सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगा ली। लगातार परेशान रहने की स्थिति और जो आरोपी है उसके द्वारा किए गए धोखे के कारण परेशान होकर के युवती ने सुसाइड किया था और पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है।